कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने कंस की दासी कुबड़ी कुब्जा का उद्धार। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के उद्देश्य से मथुरा आए, तब श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी औरत अपने हाथ में चंदन फूल और अन्य श्रृंगार की सामग्री लेकर कहीं जा रही थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने कुबड़ी औरत से पूछा कि ये चंदन फूल और श्रृंगार की सामग्री लेकर इतना इतराते हुए तुम कहां जा रही हो। तब कुबड़ी औरत ने कहा कि मैं कंस की दासी कुब्जा हूं और मैं ये चंदन फूल हार इत्यादि लेकर प्रतिदिन महाराज कंस के पास जाती हूं, इससे वे अपना श्रृंगार करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि तुम ये श्रृंगार सामग्री हमें चढ़ा दो, लेकिन कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहां मानने वाले थे, उनके बार बार आग्रह करने से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। परंतु कुबड़ी होने के कारण वह श्री कृष्ण के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। तब श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ से थोड़ी को ऊपर उठाया और कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।